हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज क्या होती है और स्पेक्ट्रोस्कोपी को का क्लासिफिकेशन कौन से किस बेसिस पे किया गया है। यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं बेसिकली वो किन प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, मतलब उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल और सिस्टमेटिक वे में और बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये सोल्यूशन है जिसको हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमको इसकी प्रॉपर्टी का पता लगाना है। या हमारा कोई सैंपल है या कोई अननोन ड्रग है जो हमने सोल्यूशन के अंदर रख रखी है। सोल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट के अंदर एक हमने कोई अननोन ड्रग जो है वो डिसॉल्व करके रखी हुई है, ये हमारा सैंपल है, ठीक है। अब होगा ये कि यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जब वो यहाँ से आएगी तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी, तो हम यहाँ पर उसको नाम दे रहे हैं IO और है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट। ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट। अब वो जो लाइट है वो हमारे सैंपल से पास होके निकल गई, और यहाँ पर जो लाइट पास होके निकली मतलब इसको क्रॉस करके निकल गई है, इसके अंदर से निकल गई, तो हुआ ये कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी हुई उसको हमने नाम दिया इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट। क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट, और जब पास होके निकली तो उसको नाम दिया हमने इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट IO, और इसको नाम दिया IT। अब देखिए, यहां पर जब लाइट पास हो गई हमारे सैंपल से, लाइट मतलब या हम कह सकते हैं रेस, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, लाइट बोल रहा हूं मैं, बट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है ये, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस हमारे सैंपल से पास हो गई है, तो यहां पर हमको तीन कंडीशंस मिलेंगी। ध्यान से सुनिएगा, तीन कंडीशंस मिलेगी। पहली कंडीशन क्या होगी? नो चेंज, मतलब दोनों जब जो इंटेंसिटी इंसिडेंस में थी और ये इंटेंसिटी दोनों बराबर हो रही। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हमारा सैंपल है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं करी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर लाइट ऐसी की ऐसी पास हो गई, मतलब जो इंटेंसिटी यहां पर थी वही इंटेंसिटी यहां पर थी, इंटेंसिटी मतलब रफ्तार, जो उसकी तेजी थी उसे हम इंटेंसिटी कह रहे हैं, तो जो रफ्तार यहां पर थी वही रफ्तार यहां रही, मतलब दोनों की सेम थी, मतलब यहां पर किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं हुई है। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है? दूसरी कंडीशन में हो सकता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन और स्केटरिंग, मतलब जब लाइट यहां से आई तो यहां पर जो सैंपल था उस सैंपल के अंदर, मतलब जो सॉल्वेंट सिस्टम है सॉल्वेंट के अंदर हमारी जो ड्रग थी, जो हमारा सैंपल था, उसके जो पार्टिकल्स थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को क्या करा? रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब वापस टकरा के लाइट वापस चली गई, ऐसा हो सकता है, या लाइट टकरा के इस तरफ चली गई इसे कहा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस जाना, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्रेक्शन मतलब टकरा के ऐसे चली गई, ठीक है। मैं एक बार मार्कर से समझाता हूं। अगर लाइट जो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वापस चली गई, टकराई लाइट और ये वापस चली गई, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हो गया, या लाइट टकराई किसी पार्टिकल से और इस तरफ से चली गई, है ना, ठीक है, यूं चली गई, तो इट इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन। और स्केटरिंग भी कुछ कुछ इसी टाइप से होता है, रिफ्रेक्शन और स्केटरिंग। तो इस टाइप की रिएक्शन जो हो गई ना, तो यहां पर किसी ना किसी टाइप की रिएक्शन तो हुई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन स्केटरिंग वाला, तो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज, यानी ये जो टेक्निक होती है, इट इज कॉल्ड नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिटी मेट्री। नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिटी मेट्री जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। वहां पर स्केटरिंग होती है बेसिकली, तो लाइट जो होती है ना, जो लाइट इंसिडेंस लाइट है वो टकरा के स्केटर्ड हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड स्केटरिंग। और ये नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिटीमेट्री का प्रिंसिपल है। क्लियर हो गया? तो आपको क्लियर हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है कि अगर टकरा जाएगी तो ये नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिटीमेट्री पे काम कर रहा है, ठीक है। और हमारे जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस के अंदर ये होगा, तो ये हमारी सेकेंड प्रोसेस हो गई। जो थर्ड प्रोसेस होती है उसके अंदर ये होता है कि जो इंसिडेंस लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी और जो हमारी इमर्ज लाइट है उसकी इंटेंसिटी, तो इमर्ज लाइट, जब हमारी इंसिडेंस लाइट हमारे सैंपल से पास होगी, लाइट में बार बार लाइट वर्ड यूज कर रहा हूं बट लाइट नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इसके ऊपर आई तो उसकी इंटेंसिटी, और जब पास होके गई तो इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब पहले इंटेंसिटी ज्यादा थी बट पास हुई तब इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब IO जो है वो IT से ज्यादा है। इसकी इंटेंसिटी जब आई थी तब ज्यादा थी और जब पास होके निकली तो कम हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो सैंपल है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के साथ कोई ना कोई रिएक्शन करी है, ठीक है, कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, उसी की वजह से हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो कम हो गई,
आई थी जब ज्यादा थी बट अब कम हो गई है, ये हमारी थर्ड कंडीशन है। तो ये जो रिएक्शन हुई है यही हमारा बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो ज्यादातर प्रिंसिपल्स होते हैं वो इसी बेसिस पे काम करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ने हमारे जो सैंपल है, जो हमारी ड्रग है जिसको हमको डिटरमाइन करना है, उसके साथ कोई ना कोई रिएक्शन करी है जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है पास होने के बाद। तो ये जो होता है बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब हम ये समझेंगे कि ये जो रिएक्शन हुई है, जो थर्ड कंडीशन है, अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि ये हुआ क्या और क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस हो सकती है और किस वजह से हुआ। और मैंने आपको क्या बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो थर्ड कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये थर्ड वाली कंडीशन आती है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हमारे सैंपल से पास होती है तो वो हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट करती है, जिससे जब पास होने के बाद वो इमर्ज होती है या निकलती है तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये क्यों होता है चलिए वो समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस, जैसे कि हम जिस पर बात कर रहे थे वो थी हमारी थर्ड कंडीशन कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हमारे सैंपल से पास होगी और पास होने के बाद जब वो सैंपल से निकलेगी तो क्या होगा। देखिए बेसिकली होगा ये कि जो हमारा सैंपल है जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को एब्जॉर्व करेगा तो स्टार्टिंग में हमारा जो सैंपल है वो तो रहेगा ग्राउंड स्टेट में, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हमारे सैंपल मतलब सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट जो हमारे सैंपल है या जो ड्रग है उसके साथ जैसे रिएक्ट करेगी, या कह सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को एब्जॉर्व करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो एम फॉर ये एम वर्ड जो यूज किया है इट इज कॉल्ड मैटर, और ये मैटर जो होगा वो एक्साइटेड हो जाएगा तो इट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, और इसे बोला जाएगा एक्साइटेशन प्रोसेस। ठीक है, एक्साइटेशन प्रोसेस। यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट होती है, यहाँ पर हमारा सैंपल मतलब ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जहां पर हमारा जो सैंपल है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के साथ रिएक्शन नहीं करी है, बट और ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है, यहाँ पर हमारा जो सैंपल है वो स्टेबल है, बट जैसे ही वो सैंपल जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के साथ रिएक्ट करेगा और एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट जो होगी ना ये एक अनस्टेबल स्टेज है। यहाँ पर हमारा जो सैंपल है या जो हमारी ड्रग है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को एब्जॉर्व कर लिया है और यहाँ पर ये ज्यादा देर तक इस जो ये स्टेट है एक्साइटेड स्टेट है इस तक मतलब एक्साइटेड स्टेट तक वो रहेगा नहीं, वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा, स्टेबल स्टेट पे आने की कोशिश करेगा तो वो वापस आएगा, तो इसे बोला जाता है रिलैक्सेशन प्रोसेस। फिर से बोल रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने की प्रोसेस को बोला जाता है एक्साइटेशन प्रोसेस, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक जाने की प्रोसेस को बोला जाता है रिलैक्सेशन स्टेट। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, वो होता है 10 to the power -8 to 10 to the power -9 सेकंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए यहाँ पर होगा ये कि जब वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा डिटेक्टर है बेसिकली यहीं पे वो रिएक्शन होगी, ये जो भी उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के साथ जो रिएक्शन करी है उसके थ्रू मतलब रिएक्शन करी है इसीलिए वो एक्साइटेड स्टेट पे आया है और वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आ गया। तो एक्साइटेड स्टेट पे ग्राउंड स्टेट तक आने की प्रोसेस में वो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रिएक्शन हो सकती है कि हमारा सैंपल एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट पे आ गया, ये क्यों किस वजह से हो सकता है। तो पहली प्रोसेस हो सकती है प्रोडक्शन ऑफ हीट, कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट पे आने की वजह से यहाँ पर हीट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा और पार्टिकल्स जो होंगे वो आपस में कोलिजन करेंगे, आपस में टकराएंगे और वापस वो ठंडे हो जाएंगे, वापस मतलब हीट का प्रोडक्शन हो गया और वापस कूल डाउन होकर वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर कोलिजन की वजह से भी वो डाउन स्टेट पे आ सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी स्टेट क्या हो सकती है, कंपाउंड जो हमारा सैंपल है वो एक्साइटेड स्टेट पे आने के बाद डीकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, वो डीकम्पोजिशन कैसे हो सकता है, वाया फोटोकेमिकल रिएक्शन, के फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो उस वजह से भी हमारा कंपाउंड जो होगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है। नेक्स्ट है इमिशन ऑफ वेवलेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे बड़े प्रिंसिपल जो होते हैं वो होता है इमिशन ऑफ वेवलेंथ। कुछ कंपाउंड जैसे हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल होता है कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं और वापस उसी वेवलेंथ को वापस रिलीज कर देते हैं और वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, तो वो जिस वेवलेंथ की एनर्जी को रिलीज करते हैं या जिस वेवलेंथ को वो इमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ते हैं, पहले तो एब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट पे चले गए और वापस फिर ग्राउंड स्टेट पे आए, तो जिस वेवलेंथ को उन्होंने इमिट करा वापस उसको फिर डिटेक्टर रीड करता है और उसकी कंसंट्रेशन हमको पता चल जाती है। तो जितनी ज्यादा हमारे सैंपल की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा वो जो हमारी रेज है या जो हमारी वेवलेंथ है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है उसको वो एब्जॉर्व करेगा, बट स्पेसिफिक वेवलेंथ को, जैसे पैरासिटामोल है वो 254 नैनोमीटर को एब्जॉर्व करता है, डाइक्लोफिनेक 274 नैनोमीटर को एब्जॉर्व करता है, कैफीन 281 नैनोमीटर को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, उसी तरीके से इसी के अंदर जो ये हम पढ़ रहे हैं इमिशन ऑफ वेवलेंथ की पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्व करना, दूसरी लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करना। ठीक है, तो यहां पर लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करके इमीडिएटली रिलीज करना, मतलब यहां पर जो वेवलेंथ को रहेंगे वो जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है उसको वो एब्जॉर्व करेंगे और वापस
ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, इमीडिएटली रिलीज भी कर देंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और इमीडिएटली रिलीज कर देंगे। ये होता है फ्लोरोसेंस में, जो फ्लोरोसेंस का जो करेक्टर होता है वो करेक्टर ही यही कहलाता है कि लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना, एक्साइटेड स्टेट पे आना और इमीडिएटली रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट पे आना। जो थर्ड कंडीशन हो सकती है इमिशन ऑफ वेवलेंथ के अंदर, वो होगी लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके तो यहां तक पहुंच जाना एक्साइटेड स्टेट में, कुछ टाइम के बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना। ठीक है, तो ये दोनों करेक्टर जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पे आया और जल्दी से रिलीज कर दी, इट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। और दूसरी है लॉन्गर वेवलेंथ को रिलीज एब्जॉर्ब करा और कुछ समय के बाद रिलीज करा, यह कहलाता है फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, और जो मैंने आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला जो फर्स्ट कैरेक्टर बताया था कि स्पेसिफिक वेवलेंथ को जो यूवी विजिबल के अंदर भी होता है और फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर भी यही कैरेक्टर यूज होता है, तो यहां पर मैंने आपको थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, और मैंने सारे कैरेक्टर बताए। बट आपको अगर बेसिक फंडा आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी कंपाउंड स्पेसिफिक वेवलेंथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं, जिसकी प्योरिटी को हम डिटरमाइन करते हैं, उसके अंदर हम करते क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट करेगी और सैंपल जो होता है वो उसके साथ रिएक्ट करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और वापस फिर ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए वो जिस एनर्जी को रिलीज करेगा उसी एनर्जी को हमारा डिटेक्टर रीड करके उस कंपाउंड या उस सैंपल की प्रॉपर्टीज को बताता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है और ये किस वे में काम करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।